सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई एम प्रिंस। सो गाइस, प्रकृति ने हर एक नदी, स्पेशली गंगा जी को इतना पवित्र, इतना खास बनाया है कि लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते कि गंगा पानी कभी ख़राब नहीं होता, गंगा में कभी कीड़े नहीं लगते। और गाइस, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा हमारे घर में गंगा का जल कितने सालों से पड़ा हुआ है, और कभी आप उसको स्मेल करेंगे तो थोड़ा सा भी जो स्मेल है वो नहीं आता है। मतलब जो नॉर्मल गंगा का पानी का स्मेल आता है वो ऐसा ही स्मेल आता है। तो गाइस, देखते हैं कि गंगा के जल में ऐसा कौन सा चीज़ है कि गंगा के अंदर कभी भी ऐसा खराबी नहीं आती, ऐसा कोई कीटाणु नहीं लगते, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं लगते। क्योंकि नॉर्मल वाटर में आप देखेंगे कि अगर आप उससे नॉर्मल वाटर को बहुत दिनों तक रखेंगे तो उसमें सड़ने लग जाएगी या स्मेल करना, गंदा करने लग जाएगा, मगर गंगा का जल में नहीं ऐसा होता है। तो गाइस, देखते हैं कि गंगा के जल में ऐसा क्या चीज़ है कि जो उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि बैक्टीरिया फोज नामक जो बैक्टीरिया है वो गंगा जल में पाया जाता है, जो कि अपने अलावा किसी और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करने देता। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया कुछ इस प्रकार है कि गाइस, गंगा का वाटर लेते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया फोज है, और ऑर्गेनिक चीज़ लेते हैं, और आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ है दूसरे बैक्टीरिया के हेल्प से डीकम्पोज हो जाता है, और उस ऑर्गेनिक चीज़ को गंगा के वाटर के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि क्या वो जो गंगा का वाटर का जो बैक्टीरिया फोज है उस ऑर्गेनिक चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाता है कि नहीं, उसको डीकम्पोज होने से बचा पाता है कि नहीं। तो वैसे चलते हैं इस वीडियो में और लेते हैं गंगा वाटर और ऑर्गेनिक चीज़ देख लेते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं क्या सच में जो बैक्टीरिया फोज है और दूसरे की पॉपुलेशन इंक्रीज करने से रुकता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। ये पड़ा हमारे पास गंगा जल। तो गाइस, देख सकते हो कि गंगा जल है स्पेशली, और ये नॉर्मल वाटर है। तो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट मैंने जैसे आपको बताया था कि तीन सैंपल में करने वाला हूँ मैं, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल और थर्ड सैंपल। इस जो सैंपल इसमें विदाउट वाटर है, कोई वाटर नहीं है, मतलब। तो चलिए चलते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ को इसके अंदर डालते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं कि सच में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं उस सैंपल में, जो ऑर्गेनिक चीज़ का सैंपल इन वाटर्स में डालेंगे। तो गाइस, चलिए, सबको आइडिया पता ही है क्या करना है। चलते हैं, डालते हैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ को इन वाटर में और देखते हैं। गाइज, आपने देखा कि जो हमने जो है तीनों सैंपल में ऑर्गेनिक चीज़ डाल दी है, और ऑर्गेनिक चीज़ में पनीर का यूज़ कर रहा हूँ, और ये पड़ा थर्ड सैंपल हमारा। और गाइज, अगर इसमें रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा तो फिर मैं एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ऐसे में टेस्ट करके देखूंगा और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस दिखते हैं। अगर इसमें डिफरेंसेस दिख गए तो गाइज, वेल एंड गुड है, फिर पता लग जाएगा कि क्या सच में बैक्टीरिया फोज जो फंक्शन परफॉर्म करता है कि नहीं। और नहीं रिजल्ट पता लगेगा तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेंगे और वैसे ही टेस्ट करके देखेंगे। चलिए, वेट करते हैं कुछ दिनों के लिए कि जिसमें डिफरेंस पता लगता है कि क्या होता है। गाइस, जो हमारे जो गंगा जल वाला एक्सपेरिमेंट को करे हुए लगभग हमें 20 और 25 दिन गाइस हो चुके हैं, और गाइस जो रिजल्ट बहुत ही चुकाने जैसे, बहुत ही, मतलब मैं देखा और सच में हैरान हो गया कि सही में गाइस जो गंगा का जल का जो बैक्टीरिया होता है वो सच में किसी चीज़ को परफेक्ट कर रखता है, किसी और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करने देता। तो गाइस, चलिए देखते हैं सच में हुआ क्या। तो गाइस, ये देख सकते हो, इसमें सिंपल हम पनीर डालते हैं विदाउट वाटर से, और देख सकते हो कि इसका जो है ये मिल्क जैसा बन गया है, इसमें गल चुका है, 20-25 दिन पूरा ये गल चुका है, और लग रहा है कि दही है ये। देख रहे हो कैसा गंदा हो चुका है। और ये तो गाइस ये फर्स्ट सैंपल है जिसमें विदाउट वाटर था, और ये देखो जो नॉर्मल वाटर, ये देखो नॉर्मल वाटर वाला, इसमें तो लग रहा है कि दही जम चुका है इस, और इसमें स्मेल है बहुत ही, मतलब पता है कैसा स्मेल आता है, कोई चीज़ को सड़ जाता तो वही स्मेल आ रही है। इसमें कोई भी पनीर का पीस नहीं है। और गाइस, जब अगर मैं दिखाऊंगा आपको गंगा जल वाला सैंपल तो देख के आप सच में हैरान हो जाओगे। गाइस, ये देखो गंगा जल वाला सैंपल, देख सकते हो गाइस, गंगा जल वाला सैंपल को थोड़े इसके पीसीज है, भले झड़ चुके हैं, परंतु जो इसके तो होल पीस है उसे गंगा जल सच में प्रोटेक्ट कर रखा है, उसके पीसीज को ना सड़ने नहीं दिया। देख सकते हो, पहले दिन भी वैसे ही पीस था और आज भी वैसा ही पीस है। और इसे देख सकते हो, ये नॉर्मल वाटर वाला पूरा दही जम चुका है। और तीसरा सैंपल देखा आपको, ये देखो विदाउट वाटर, दही दूध जम सब कुछ, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो गाइस, सच में गंगा जल में ऐसी पावर्स हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी भी नदी में, किसी वाटर में नहीं होता है। तो प्लीज़ गंगा को रिस्पेक्ट करिए, गंगा को ना पल्यूट होने से बचाइए। और भगवान ने हमें ही क्यों ऐसा चुना है कि हमको गंगा दी है भारत देश में, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट द गंगा एंड नॉट पल्यूट द वाटर ऑफ। तो गाइस, देखा आपने ये गंगा जल वाला एक्सपेरिमेंट और कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट बना है, और क्या क्या मैंने इसमें चीज़ बताई हैं गाइस,
और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है गाइज, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु ये जरूर कहूँगा कि किसी ना किसी दिन अपनी मेहनत से चैनल को सब्सक्राइब तो करा ही लूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब के लिए प्रणाम।